नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी आप सबके लिए कि जहां हमारे दिव्यांगजन या अदर नॉर्मल टीचर्स भर्ती थे और यूपी के टीचर्स यूपी में ही अप्लाई कर सकते थे, बिहार के टीचर बिहार में अप्लाई कर सकते थे, इसके ऊपर जो हमारे वहाँ के सीएम है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि अब सिर्फ बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि वहाँ का जो लोकल पर्सन है वो नहीं, अब पूरे ऑल ओवर इंडिया से वो यहाँ पे टीचर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, जो पहले रूल आया था इनका कि उन्होंने सिर्फ अपने यूपी बिहार के लिए सबको गाइड किया था कि सिर्फ वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और यूपी बिहार में टीचर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ आई है कि जो भी जिन्होंने TGT किया है, सी टेट पास किया है या यूपी टेट पास किया है, टीचर्स के लिए डिग्रीज ली हैं, वो अब जैसे बिहार में पोस्टें निकलनी हैं, 836 पोस्टें निकलनी हैं और हज़ारों की स्पेशल एजुकेटर पोस्ट भी निकलनी है। तो जिन लोगों ने भी इस तरह की डिग्री की हुई या एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, जो लोग टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला दिया है और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इजिबल भी है और अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे ही बिहार में पोस्टें निकलती हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और इसके बारे में अगर और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे को कॉल या मैसेज से पूछ सकते हैं और इसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी डिटेल पता कर सकते हैं। देखिए, आजकल हम काफ़ी जनों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बिजी होने की वजह से, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि हर संडे आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। संडे टू संडे आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। तो बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल है आप लोगों के लिए, और आपके पास जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, बीएड किए हुए हैं या PhDs किए हुए हैं, जो भी हैं वो अपने शिक्षा विभाग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टीचर्स लग सकते हैं। टीचर्स का पोस्ट है अब आने वाली है बिहार में, तो इसके साथ ही आप ध्यान रखिएगा और पोस्टें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।